Let's continue our topic center of mass. मेरे last lecture में जो मैं करवा रहा था, मैंने uniform semicircular wire दिया था, mass m and radius r. और इस uniform semicircular wire के लिए center of mass determine करने के लिए मैंने कहा था. Now मैंने यह बता दिया था कि जब भी हमें कोई body है, कोई system है, उसका center of mass determine करना है, तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सेस को प्रॉपरली चूज कर लें. हमने इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सेस चूज करी थी, यह एक्स एक्सेस और यह वाई एक्सेस. इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सेस चूज कर लेने से फायदा यह हुआ था दैट वाई एक्सेस बिकम्स द एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एंड इफ वाई एक्सेस इज द एक्सेस ऑफ सिमेट्री, इन दैट केस द सेंटर ऑफ मास वुड लाई ऑन वाई एक्सेस. सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी फाइनाइट एंड इट वुड बी डिफाइंड इन दिस मैनर. यह मैंने लिख दिया था, यह एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए एंड वी नीड टू डिटरमाइन दैट. अब हम इसी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को डिटरमाइन करना सीखते हैं. तो इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज we need to choose a constant quantity. If this is a uniform semicircular wire, then there must be some constant value which can be introduced. Hum kehte hain is uniform semicircular wire ke liye mass per unit length would be constant. The mass is uniformly distributed over this semicircular length. Yah jo semicircular length hai, इसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो मैं सबसे पहले यह मास पर यूनिट लेंथ टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं. मास पर यूनिट लेंथ, एंड दिस मास पर यूनिट लेंथ लेट मी डिनोटेड बाय रो, एंड इट वुड बी द टोटल मास अपॉन द टोटल लेंथ. दिस इज मास पर यूनिट लेंथ for this wire and it would be a constant quantity. यह इस wire के लिए एक constant quantity होगी. It would never vary. Now, after introducing this constant quantity, अब मैं as I told you, for any continuous mass variable system, we need to choose a differential element, and by choosing that differential element, we discretize that mass system. अब हम differential element कैसे choose करते हैं, इस बात को ध्यान से देखें. मैंने wire का यह particular element choose कर लिया, यह differential element choose कर लिया है, और यह differential element wire के center पर कुछ d theta angle subtend करता है, and it's at an angle of theta subtending some angle d theta. It have got length of dl and it have got mass of dl. मैंने एक वायर का छोटा सा एलिमेंट, एक डिफरेंशियल एलिमेंट, इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल एलिमेंट चूज करा. यह y एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर है. इस एलिमेंट, ये जो dl लेंथ का एलिमेंट है, इट्स सबटेंडिंग सब एंगल d थीटा एंड इट्स हैविंग मास ऑफ dl. अब मैं इस डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए कुछ बातें लिखता हूं. सबसे पहले मैं इसका डीएल लेंथ को डी थीटा को रिलेट कर देता हूं. आई ऑलवेज नो दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. आर्क लेंथ इज डीएल, रेडियस इज आर, एंड एंगल इज डी थीटा. एंगल के लिए मैं डी थीटा लिखता हूं. d theta is angle subtended, dl is the length of arc, and r is the radius. This is the basic definition of angle. Angle ki yah basic definition hai, angle is equal to arc upon radius. Wahi definition maine apply kari hai, d theta equal to dl upon r, and from here I'll write dl is equal to r d theta. This is the length of wire. अब
the differential length of wire, I had related it in terms of radius of wire and the angle subtended by it. Now, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसका मास डीएम निकालता हूं. डीएम मास निकालने के लिए मैं यह डेफिनेशन जो मैंने इंट्रोड्यूस करी है इसका इस्तेमाल करूंगा. मास पर यूनिट लेंथ इज रो. मैंने इस कांस्टेंट क्वांटिटी को डिफाइन करा. मैं कहता हूं मास ऑफ एनी एलिमेंट वुड बी इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इनटू इट्स लेंथ. मास पर यूनिट लेंथ इनटू इट्स लेंथ मस्ट बी मास. तो मैं कहता हूं डीएम मस्ट बी मास पर यूनिट लेंथ इनटू डीएल. रो इज मास पर यूनिट लेंथ एंड इट्स लेंथ इज डीएल एंड इट्स मास इज डीएम. सो आई कैन राइट डीएम इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ के लिए एम अपॉन पाई आर और लेंथ के लिए आर डी थीटा. सो दिस बिकम्स आर से आर कैंसल्ड एम अपॉन पाई इन टू डी थीटा. दिस इज मास डीएम ऑफ द वायर. अब मैं इसी समय इंटीग्रल डीएम इज इक्वल टू एम वह कंफर्म कर देता हूं वेदर दैट इक्वेशन होल्ड और नॉट. फिर मैं सेंटर ऑफ मास भी डिटरमाइन करूंगा. देखिए सबसे पहले यह मैं सिर्फ कंफर्मेशन कर रहा हूं. वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ डीएम, इंटीग्रल ऑफ डीएम, डीएम की जगह पर मैं यह लिखता हूं इंटीग्रल ऑफ एम अपॉन पाई इनटू डी थीटा. एम इज अ कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट, एम अपॉन पाई इंटीग्रल साइन से बाहर आ गया और इंटीग्रेशन के अंदर डी थीटा बचा गया, रह गया इंटीग्रल ऑफ डी थीटा. अब इंटीग्रल ऑफ डी थीटा जब करेंगे तो सबसे पहले यह देखना है कि थीटा की वैल्यू कहां से कहां जाएगी. जब हम ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन मींस एडिशन ऑफ डिफरेंशियल क्वांटिटीज, तो हम डिफरेंशियल क्वांटिटीज को कहां से लेना स्टार्ट करेंगे और कहां तक लेंगे. हम कहते हैं पहली डिफरेंशियल एलिमेंट हम इस जगह पर लेंगे, सबसे पहला डिफरेंशियल एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट इधर, तीसरा एलिमेंट इधर, चौथा एलिमेंट इधर, इस तरह से हम ढेर सारे डिफरेंशियल एलिमेंट लेते जाएंगे और आखिरी डिफरेंशियल एलिमेंट जो हम लेंगे वो इस जगह पर लेंगे. अब हम थीटा को मेजर कैसे कर रहे हैं. वी आर मेजरिंग थीटा एस एन एंगल विथ वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के साथ हम डिफरेंशियल एलिमेंट का थीटा मेजर कर रहे हैं. तो जो पहला हमने एलिमेंट लिया, दिस इज अवर फर्स्ट एलिमेंट, इस पहले एलिमेंट का वाई एक्सिस के साथ यह जो एंगल होगा यह माइनस पाई बाय टू, और फाइनली जो हम एलिमेंट लेंगे इसका जो वाई एक्सिस के साथ एंगल होगा प्लस पाई बाय टू. जो सबसे पहला डिफरेंशियल एलिमेंट लिया हमने वह माइनस पाई बाय टू एंगल पर और आखिरी डिफरेंशियल एलिमेंट प्लस पाई बाय टू. इस तरह से थीटा की जो लिमिट्स है वह माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू तक जाएंगी. अब यह लिमिट्स आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम डी थीटा का इंटीग्रल लिख देते हैं. वी ऑलवेज नो दैट इंटीग्रल ऑफ डी थीटा इज थीटा, और इंटीग्रेट करने के बाद लोअर और अपर लिमिट को इस तरह से बाद में लिख दिया जाएगा. अब हम लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं एम अपॉन पाई ऐसा का ऐसा ही है. पहले अपर लिमिट में लिखूं प्लस पाई बाय टू माइनस लोअर लिमिट में माइनस पाई बाय टू. इस तरह से यह हो गया एम अपॉन पाई इन टू पाई दैट इज इक्वल टू मास एम. ये आना भी चाहिए इंटीग्रल ऑफ डीएम इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास एम. यह हमने सिर्फ कंफर्मेशन कर लिया है. किस बात का कंफर्मेशन कर लिया है कि ये सारी जो हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है. हमने यह डी थीटा एंगल लिया, इस डी थीटा एंगल को लेने के बाद इस डिफरेंशियल एलिमेंट के लेंथ को डीएल कहा और हमने डीएल और डी थीटा को रिलेट कर, डीएल और डी थीटा को रिलेट करने के बाद
dl equal to rd theta. From the mass per unit length, यह जो term introduce करी थी, इस introduce term का इस्तेमाल करा, हमने कहा dm mass must be mass per unit length into its length. Mass per unit length की जगह यह expression और length की जगह पर यह expression. और इस तरह से हमने dm mass लिखा. फिर dm का integral करके हमने उसको m prove कर दिया. और इस तरह से हमने यह बात prove कर दी कि जो सारी क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस की है अभी तक जो भी कुछ कंसेप्ट डेवलप करा है वह बिल्कुल परफेक्टली सही है. अब सवाल कुछ और था. सवाल यह था कि सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है. सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट तो हमने लॉजिक से ही समझ लिया कि वह जीरो होना चाहिए. वाई कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने के लिए हमने एक्सप्रेशन लिख रखा. अब हम इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करेंगे. सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करने से पहले हम वाई की वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं. ये वाई हम किसके लिए लिख रहे हैं? जो हम डीएम मास ले रहे हैं, जो हमने डिफरेंशियल मास लिया, जो डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है उसके लिए वाई. देखिए दिस इज वाई, दिस इज वाई. वाई इज द डिस्टेंस ऑफ दिस डिफरेंशियल एलिमेंट फ्रॉम एक्स एक्सेस. एक्स एक्सेस से डिफरेंशियल एलिमेंट की दूरी, दिस इज वाई. अब मैं कहता हूं दिस इज आर, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस वाई कैन बी रिटन एज आर कॉस थीटा. दिस वाई मस्ट बी आर कॉस थीटा. यह हम देखें, दिस इज वाई, दिस इज वाई and this is r and this is a right angle triangle. hum cos theta ka basic definition lagate hain, y by r equal to cos theta, hence y must be equal to r cos theta. ab main y coordinate of center of mass determine karne ke liye y ki jagah par main likhta hu r cos theta. डीएम की जगह पर यह जो डीएम की वैल्यू मैंने लिखी है एम अपॉन पाई इनटू डी थीटा, और इंटीग्रल डीएम की जगह पर, इंटीग्रल डीएम की जगह पर यह जो हमने मास एम ऑलरेडी डिटरमाइन कर लिया है इसे लिख देते. इन दिस मैनर आई राइट दिस एक्सप्रेशन, आई अप्लाई दिस एक्सप्रेशन, मैंने इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करा. y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए जो मैंने एक्सप्रेशन लिख रखा है उसको देखिए किस तरह से अप्लाई करा. नाउ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, हमेशा इंटीग्रेट करते समय जो इंटीग्रल के अंदर जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स दिख रही है उनको बाहर निकाल दिया जाए. r विच इज रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर वायर कॉन्स्टेंट है, किसी भी डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए r कॉन्स्टेंट है. कैपिटल मास एम अपॉन पाई, यह सारी चीज कांस्टेंट है. एम आर अपॉन पाई, यह न्यूमरेटर में कांस्टेंट है. इंटीग्रल साइन के अंदर जो बचा रहेगा दैट इज कॉस थीटा डी थीटा अपॉन टोटल मास एम. अब इंटीग्रेशन के अंदर कॉस थीटा यह एक वेरिएबल है, हर एक डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए थीटा अलग अलग होगा और डी थीटा के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है. यहीं पर हम लिमिट्स भी रख देते हैं. जैसे हमने पहले लिमिट्स रखी थी डी थीटा की, हमने सबसे पहला कहा कि जो सबसे पहला एलिमेंट हम लेंगे वह माइनस पाई बाय टू एंगल सब्टेंड करेगा, माइनस पाई बाय टू, और आखिरी एलिमेंट जो एंगल सब्टेंड करेगा दैट इज प्लस पाई बाय टू. इस तरह से हमने लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर दी. अब हमें इसे सॉल्व करना है. सबसे पहले मास एम और मास एम कैंसल्ड, और इस तरह से इंटीग्रल साइन के बाहर जो क्वांटिटी है वह बची रह गई है आर अपॉन पाई. अब कॉस थीटा डी थीटा इसका इंटीग्रल, वी ऑलवेज नो दैट इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, यह फॉर्मूला हमने 11th क्लास के स्टार्टिंग में मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते समय देखा हुआ है कि जब भी इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा आए one should write it equal to sine theta, और इंटीग्रेट करने के बाद
लोअर लिमिट माइनस पाई बाय टू नीचे लिख दी जाती है, अपर लिमिट प्लस पाई बाय टू ऊपर लिख दी जाती है। अब हम इंटीग्रेट करने के बाद इस तरह से लिमिट्स रखने के बाद हम लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। किस तरह से? y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज r अपॉन पाई, तो ऐसा का ऐसा ही, साइन ऑफ प्लस पाई बाय टू माइनस साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू, और यह हो गया r अपॉन पाई 1 माइनस ऑफ माइनस 1। एंड इन दिस मैनर वी हैड ऑब्टेन्ड सेंटर ऑफ मास एट y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, दिस बिकम्स 1 प्लस 1 2R upon pi. This is the y coordinate of center of mass. X coordinate of center of mass is 0. And hence, finally, we will write that center of mass is located at 0, 2R by pi. बड़े ध्यान से सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के तरीके को समझें और फिर हमेशा के लिए इस बात को मेमोराइज भी कर लें कि एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वह कहीं इस जगह पर होता है 0, 2R by pi. Once again, यह एक ऐसी सिचुएशन है, यह एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट पर लोकेटेड है जहां पर एक्चुअली कोई मास आपको दिख नहीं रहा, पूरा का पूरा मास इस पेरिफेरी में, सेमी सर्कुलर वायर की इस पेरिफेरी में कॉन्सेंट्रेटेड है, मगर इस पूरे वायर का सेंटर ऑफ मास वायर के किसी भी पॉइंट पर होने के बजाय इस जगह पर है, एंड द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, एंड ऑन वाई एक्सिस इट इज एट 2R, pi. बड़े ध्यान से देखें पूरे के पूरे हमने किस तरह से एक एक स्टेप को करा है, इसको समझें, और लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे हमने लिखा है। यहां तक इंटीग्रल डीएम प्रूव करने के बाद y इक्वल टू आर कॉस थीटा कैसे लिखा है, दिस इज y, जो एलिमेंट है यह x एक्सिस से जितनी दूरी पर है y, और उस y को हमने इधर ड्रॉ करके राइट एंगल ट्रायंगल से देख लिया कि y इक्वल टू आर कॉस थीटा। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला इन ऑर्डर टू डिटरमाइन y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y dm by dm, तो y की वैल्यू लिखी, dm की वैल्यू लिखी, और इंटीग्रल dm पहले ही निकाल दिया है वह लिख दिया, और फिर से इंटीग्रेट करने के लिए कॉन्स्टेंट टर्म्स को बाहर निकाला, इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, फिर इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा दिया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इस तरह से हमने सेंटर ऑफ मास की लोकेशन देखी है। इसे लिखने के बाद थॉरली इसे मेमोराइज करना जरूरी होता है। इसी समय देखिए अभी तक हम सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने का जो तरीका समझ रहे हैं दैट इज मैथमेटिकल मेथड। हमने मैथमेटिकली इक्वेशन लिखी और हमने सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने का तरीका समझा है, हमने एक्स कोऑर्डिनेट के लिए इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रल ऑफ वाई डीएम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम, जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रल ऑफ जेड डीएम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम, यह फॉर्मूले लिखे। बट बेसाइड दिस मैथमेटिकल फॉर्मूला इन फैक्ट वी मे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी इरेगुलर बॉडी इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में बड़े आसान तरीके से हम किसी भी रेगुलर या इरेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास
डिटरमाइन कर सकते हैं। लेबोरेटरी में सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का डिटरमाइन करने का तरीका समझिए और इसे आप अप्लाई करके भी देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, यह कोई इरेगुलर बॉडी है, दिस एनी इरेगुलर बॉडी, लेट अस से यह कोई इरेगुलर बॉडी है, ऑल्दो ये बिल्कुल इरेगुलर तो नहीं दिख रही है, यह तो एक स्टडी पैकेज मैंने उठा लिया। जस्ट इमेजिन कि इस तरह की कोई इरेगुलर बॉडी है और मुझको इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। एक बात पक्का है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास देखकर तो आप बता ही नहीं सकते कि कहीं इधर होएगा, इधर होएगा, कहां होएगा, ये कुछ भी नहीं बता सकते। मैथमेटिकली मैं इसका सेंटर ऑफ मास आसानी से नहीं डिटरमाइन कर पाऊंगा क्योंकि यह इरेगुलर बॉडी। मैथमेटिकली रेगुलर बॉडीज का सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन हो जाता है, इरेगुलर बॉडीज का सेंटर ऑफ मास मैथमेटिकली डिटरमाइन नहीं हो पाता। इस तरह की बॉडी का सेंटर ऑफ मास अब हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के द्वारा बड़ी आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। करने का जो तरीका होगा, व्हाट वी नीड इज वी नीड अ प्लंब लाइन, हमें एक प्लंब लाइन की आवश्यकता है। वो व्हाट इज प्लंब लाइन, प्लंब लाइन कभी आपने देखा है वो जो जो कारीगर जो दीवार बनाते हैं कि नहीं, ईंट को एक के ऊपर एक रख के जब दीवार बनाते हैं तो वो एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, एक धागे से बंधा हुआ एक पत्थर जैसी चीज होती है, आप एक पत्थर बांध दीजिए धागे से, वह प्लंब लाइन का काम करेगा। इस तरह की एक डिवाइस होती है, स्ट्रेट वायर और इस तरह से एक भारी सी चीज बंधी हुई होती है। और ये प्लंब लाइन किस काम आती है, जब वो दीवार बनाते हैं तो उस प्लंब लाइन को दीवार के किनारे रख के यह देखते रहते हैं कि वो दीवार बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, क्योंकि दीवार हल्की सी भी टेढ़ी बन गई ना तो गिर जाएगी। यदि आपको ये इंश्योर करना है कि दीवार कभी गिरे नहीं तो यह जरूरी है कि दीवार वर्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट बनना चाहिए, और वो दीवार बिल्कुल वर्टिकल और स्ट्रेट बनाने के लिए उस प्लंब लाइन का इस्तेमाल करते हैं। वो ईंट रखते जाते हैं और हर चार ईंट रखने के बाद प्लंब लाइन से देखते हैं कि वो बिल्कुल पैरेलल चल रही है। इस तरह की एक प्लंब लाइन की आवश्यकता है। अब हमको क्या करना होगा, किसी भी दीवार में जहां एक कील है उस जगह पर इस प्लंब लाइन को हम बांध देंगे या उसका सहारा हम लेंगे। नाउ व्हाट वी डू, हम सबसे पहले जो हमें इरेगुलर बॉडी दी हुई है उस इरेगुलर बॉडी में कहीं पर भी रैंडमली तीन होल कर देते हैं। हम कहीं पर भी रैंडमली तीन होल कर देते हैं। एक होल हमने रैंडमली इस जगह पर कर दिया, एक होल हमने रैंडमली इस जगह पर कर दिया और एक होल हमने रैंडमली इस जगह पर कर दिया। इस तरह से हमने तीन होल कर दिए। जैसे इस शीट में मान लीजिए एक होल हमने इस जगह पर करा, एक होल हमने इस जगह पर कर दिया, एक होल हमने इस जगह पर कर दिया, तीन होल रैंडमली हम किसी पॉइंट पर कर देते। दो होल से भी हम सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन कर लेंगे, तीसरा होल हमने सिर्फ कंफर्मेशन के लिए करा। अब हम क्या करते हैं, जो दीवार में कील है उस कील के अंदर इस होल के थ्रू इस बॉडी को इस तरह से हम लटका देते हैं। एक कील के थ्रू हमने जो लेमिना है उसमें होल करा और इस बॉडी को ऐसे लटका दिया। अब हम क्या करते हैं, उसी कील जो बाहर निकल रही है उसमें उस प्लंब लाइन को बांध देते हैं, वह प्लंब लाइन बिल्कुल ऐसे लटकने लगेगी। उसका जो धागा है वह इस लेमिना के ऊपर इस तरह से चलता हुआ दिखेगा। अब आप क्या करेंगे, उस धागे के अलोंग एक लाइन खींच देंगे, विल ड्रॉ अ लाइन। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस बॉडी इज हैंगिंग इन दिस मैनर, मैं तीन बार इसी तरह की बॉडी को ड्रॉ करूंगा। पहली बार यह बॉडी इस तरह से हैंग कर रही है, इस जगह पर कील है एंड
This is the plumb line. Now, what you do is you draw a line over this body. आप इस बॉडी के ऊपर इस तरह से इस धागे के साथ साथ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यह लाइन अब आपको इस बॉडी में इस तरह से दिखने लगी। Now, what my logic is कि जब आपने बॉडी को इस तरह से लटकाया है, इस तरह से जब बॉडी को लटकाया है और यह प्लम लाइन इस तरह से चल रही है और इस प्लम लाइन के अलॉन्ग आपने एक लाइन खींची है, हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास मस्ट डेफिनेटली लाई ऑन दिस लाइन। सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर कहीं होना चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। अब हमें अभी यह नहीं पता है कि इस लाइन पर सेंटर ऑफ मास कहां है, इस जगह पर भी हो सकता है, इस जगह पर भी हो सकता है, इस जगह पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, मगर एक बात पक्का है कि सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का होगा इसी लाइन पर, इस लाइन के अलावा किसी और जगह पर नहीं हो सकता, होना इस लाइन पर ही है, दैट इज फॉर श्योर। अब हमें एग्जैक्टली इस लाइन पर सेंटर ऑफ मास कहां है, यह लाइन इस लेमिना पर इस तरह से दिख रही है, हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर है। इस लाइन पर सेंटर ऑफ मास कहां है, इस बात को समझने के लिए, इस बात को एंश्योर करने के लिए हमने दूसरा होल कर रखा है। पहले हमने इस तरह से बॉडी को लटकाया था, अब यह जो दूसरा होल है, हम इस दूसरे होल को, इस दूसरे होल के थ्रू हम इसी बॉडी को लटका देंगे। अब उस कील में ये दूसरा होल डाल देंगे। अब बॉडी इस तरह से हैंग करने लगी। वंस अगेन हमने इधर से वही प्लम लाइन बांध दी। उस प्लम लाइन को अब हमने इस होल के थ्रू बांध दिया। ऑलरेडी एक लाइन इस तरह से बनी हुई दिख रही है हमें। अब हम इस प्लम लाइन का यह जो थ्रेड की लेंथ है, इसके अलोंग वंस अगेन लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहां से यहां तक हमने एक और लाइन ड्रॉ कर दी। दिस लाइन वुड लुक वुड अपीयर लाइक दिस ऑन द बॉडी। यह लाइन अब इस बॉडी पर इस तरह से अपीयर हो रही। नाउ व्हाट आई मीन टू से इज center of mass must definitely lie on this line as well. Center of mass इस line पर definitely lie करेगा, क्योंकि यह body center of mass के थ्रू ही इस तरह से hang हुई। Now, यह line, this is hole one, this is hole one, this is hole two. होल वन से जब हमने प्लम लाइन रखा था तो वो ऐसी थी और होल टू से जब हमने प्लम लाइन रखा तो वो ऐसी थी। अब हम कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर भी है और सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर भी। सेंटर ऑफ लाइन इस लाइन के किसी भी पॉइंट एक पॉइंट पर निश्चित होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास इस लाइन के किसी एक पॉइंट पर होना चाहिए। अब इन दोनों लाइन के साथ एक कॉमन पॉइंट कौन सा है, आई विल से द कॉमन पॉइंट to both the line is this, the point of intersection. This point of intersection is common point of the two line. It means definitely center of mass must lie on this point of intersection. यह जो point of intersection है, यह point ही center of mass होना चाहिए। That is for sure. Now, you wish to ensure this. आप इस बात को ensure करना चाहते हैं
In order to ensure this, you have got this third hole. इस बात को ensure करने के लिए आपके पास यह hole 3 है. अब आप क्या करेंगे? इस तीसरे hole के थ्रू इसी body को hang कर देंगे. यह जो तीसरा hole है, hole 3. पहले आपने hole 1 से hang करी थी body को, फिर आपने hole 2 से hang करी body को, फिर आप hole 3 से इस body को इस तरह से hang कर दीजिए. अब जब आपने hole 3 से इस body को hang करा, और अब आपका plumb line इस तरह से hang कर रहा है, और once again इसके parallel आप एक line draw कर दीजिए, बिल्कुल इसके along एक line draw कर दीजिए. जब आप इसके along एक line draw करेंगे, वह line इस तरह से दिखने लगेगी. वह तीसरी line भी इसी point से pass करेगी, and this ensures that the center of mass is definitely on this point only. In this manner, without applying any formula, without applying any mathematics, for any regular or irregular body, you can always determine location of its center of mass experimentally. इसे experimentally determine करने के लिए you just need a simple machine, that is plumb line. एक दीवाल के सहारे एक कील लगी हुई हो और आप उस body में तीन छेद करके उस कील से उसको लटका के आप उस body का center of mass experimentally determine कर सकते हैं. अब मैं फर्दर सेंटर ऑफ मास कुछ रेगुलर बॉडीज का मैथमेटिकली डिटरमाइन करने का तरीका सिखाऊंगा. तो एक्सपेरिमेंटली हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे. इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए प्लीज.